एक जमाना था जब भारत का कहीं मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कहीं इज्जत नहीं थी। फिद्दी फिद्दी से देश में डराते थे, पाकिस्तानी आंखें बताता था। कल तक जो हमें आंखें बताते थे, आज वो दो चून की रोटी के लिए तरस रहे हैं और भारत लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक जमाना जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब भारत को कहते थे घोटालों का देश। उस समय भी मुख्यमंत्री के नाते अगर हम कहीं जाते थे तो कहते थे इंडिया में तो घोटालों के अलावा कुछ नहीं होता। और एक आज का भारत है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भारत। जरा दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताना, अपने देश का मान और सम्मान दुनिया में बढ़ाए कि नहीं बढ़ा? कांग्रेस ने तबाह किए थे लोगों की, सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, क्या था कांग्रेस के राज में कोई बता दे। और कांग्रेस आज, ध्यान से सुन लेना, कांग्रेस आज कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस ने देश की सेवा नहीं की, कांग्रेस ने जनता की सेवा नहीं की, और इसलिए लगातार कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। आज बताओ कांग्रेस कोई सेवा कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? कांग्रेस कुछ दे सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? कांग्रेस की तो हालत ये हो गई है कि श्रीमती सोनिया गांधी, जो उनकी सबसे बड़ी नेता है, वो खुद चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ती थी, रायबरेली सीट खाली, इंदिरा जी वहां से जीती, सोनिया जी वहां से जीती। अब उनकी सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी ने कह दिया कि मैं नहीं लड़ती, क्योंकि उनको पता है लड़ेंगे तो बुरी तरह हारेंगे। और राहुल गांधी कहां से चुनाव लड़ते थे बताओ? अरे जोर से बताओ, अब अमेठी से लड़ रहे हैं क्या? अरे भैया हम भी हैं, 5 लोकसभा जीत चुके, 6 विधानसभा, 11 जीत चुके, और बार बार भी जीतने वाला हूं, धूमधाम से, चिंता मत करना। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।